हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लाइफ में। इस शफल डेक से हम लेंगे एक कार्ड और कार्ड आया है द वर्ल्ड ट्री। आपको ये कहा जा रहा है कि जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजों को पूर्ण करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, दुनिया को छूने के लिए, कुछ बड़े बड़े कार्य करने के लिए, जैसा हम चाहेंगे ना उसके लिए वैसा ही स्ट्रगल भी है। लेकिन अगर हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर हौसला है, विश्वास है खुद के ऊपर, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जो मन है इसको बराबर मोटिवेट करते रहें। अगर कुछ करना चाहते हैं तो तब तक ही आप जिंदा होना भी फील करेंगे, ठीक है। आपको कंप्लीट करने के लिए, जब आप जिंदगी में कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आप एक स्टेप भी आगे बढ़ाएंगे, तो कुछ ऐसे स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपके पुराने थॉट प्रोसेस को रिलीज करें। वे पुराने थॉट प्रोसेस पर पुरानी चीजें काम करती हैं, नए चीजों के लिए नए नए सॉफ्टवेयर्स हैं, नए अपग्रेडेशंस हैं। तो आपको ऐसे सिचुएशन में आगे ही बढ़ते रहना है, या ये डिसाइड कीजिए कि आप उसे चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आपकी खुशी, आपका तन मन धन सब उस कार्य में लगा है, तो उसको सार्थक करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, यानी आपने कच्चा सपना देखा, सिर्फ सपना ही देखा लेकिन रियलिटी में आपने नहीं देखा, क्योंकि आप सपने देख सकते हैं लेकिन हम जब तक उसे पूरा नहीं करेंगे वो रियलिटी नहीं हो सकती, हम उस जिंदगी को जी नहीं सकते। तो क्या मांगते हैं सपने? प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मेहनत मांगते हैं। तो जब आप श्योर हो जाएं कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, या आप इस सिचुएशन में आपको ये प्राप्त करना जरूरी जरूरी है, आप मजबूर हैं कि अब आपको ये सफलता चाहिए या ये आपका कार्य पूरा होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में वो करें जो आपकी आत्मा कहती है। संघर्ष आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब आप अपनी एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आएंगे तो वही एनर्जी आपको आगे बढ़ाती है। जो टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक मेंटालिटीज हैं, रिलीज होती जाएंगी। अंत में उस सफलता के शिखर तक आप ही बचेंगे, जो सबसे अच्छे खुद के दोस्त होंगे, सबसे अच्छे अपने आप को समझने वाले होंगे, और एक प्रॉपर एनालाइजर, ऑब्जर्वर निकल के आप बाहर आएंगे, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा है वैसा है, आपको किसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप कर्म के लिए सज्ज हो, आपका कर्म ही आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, लेकिन कर्म होना चाहिए, ठीक है। सरफेस पर एक्शंस होने चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। जब आप चीजों को लेकर पंक्चुअल होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चीजें ठीक होती हैं। आपको अगर एक सब्जी का स्टॉल भी लगाना आप जानते हैं, और उसमें भी वो बात है कि आप औरों से क्रिएटिव होकर कर सकते हैं, उनसे ज्यादा क्रिएटिव है जो और लोग वहां पर खड़े हैं, तो यकीन मानिए कि आपको वही इतनी बड़ी पहचान दिला देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो काम आपको छोटा लगता था। तो किसी भी तरीके से अपने काम को छोटा ना समझे, अपने आप को छोटा ना समझे, आप बेस्ट थे, बेस्ट हैं और आगे भी बेस्ट होंगे, ठीक है। सो गाइज, ये था आज का डिवाइन संदेश। होप इससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।